भूमिकेवरती पण बराच आक्षेप घेतलेला आहे की त्यांची भूमिका जी योग्य नव्हती कुणाची राज्यपालांची. नाही, राज्यपालांची इच्छा असताना त्यांच्या संबंधीचं एकंदर अंगळ घेतल्याच्या नंतर त्याची स्टेटमेंट केलं होतं. खरं सांगायचं तर तेव्हाही मी म्हणलं होतं की कॉन्स्टिट्युशनमध्ये राज्यपाल हे एक इन्स्टिट्यूशन आहे, त्या इन्स्टिट्यूशनची अप्रतिष्ठा कशी केली जाते याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रामध्ये त्या काळात मिळालेलं होतं. सुदैवानं ते आज इथे नाही आहेत, त्यामुळे अधिक भाष्य करण्याचं कारण नाही. राज्यपाल आहे, भाजप शासित राज्य आहे, आणि भाजप शासित राज्य नसताना केंद्र सरकारकडून जे राज्यपाल ज्या ज्या राज्यामध्ये आहे तिथे भाजप सत्ता नाही आहे, त्या ठिकाणीही असे प्रयोग पुन्हा होतील असं वाटतं या माध्यमातून. साधारणतः निवड करताना जी काळजी घ्यावी लागते ती काळजी न घेता जाणीवपूर्वक सगळं ठीक आहे ना? ही सांधी दुखी, वेरिकोस वेन्स, डायबिटीज, अस्थमा, तुमची काय व्यथा आहे? आता चिंता नाही कशाची, नम्मा होमिओपॅथी आहे पाठीशी. नम्मा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी. आंतरराष्ट्रीय विचाराच्या लोकप्रतिनिधींना किंवा संस्थेला त्रास कसा होईल ही भूमिका घेऊन नियुक्त केल्याचं हे घडत आणि हे घडतंय ते मोठ्या प्रमाणावर होतंय. त्याच उदाहरण या ठिकाणी महाराष्ट्रात आपण पाहिजे. जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज पूरा निर्णय आया, निर्णय के बाद लगता है ना जिस तरह से सिंधे ग्रुप ने यहाँ पर अपने अपना कदम उठाया, यही कदम देश के अन्य राज्यों में भाजपा शासित राज्यों में भी आने वाले भविष्य में उठा सकते हैं. उनके लिए तो एक रास्ता खुल गया है कि हम ये कदम उठाएंगे और कोर्ट कुछ नहीं करेगा. रास्ता याद नहीं, इससे पहले भी होता. अब देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हुकूमत थी, वहाँ के एमएलए चले गए और दूसरी हुकूमत आ गई. ये कर्नाटक में हमने देखा और कुछ जगह पर देखा, गोवा में देखा. आज भारतीय जनता पार्टी उनकी लीडरशिप, इनकी ये स्ट्रैटेजी है, वो खुद जीतते नहीं तो एमएलए को तोड़ कर, पार्टी तोड़ कर अपना बहुमत बनाने की कोशिश करते हैं और सरकार चलाते हैं. ये दिमाग उसी के लिए अच्छी बात नहीं, मगर ये बात हल्की रहती है. हम लोगों को, आम जनता को बतानी होगी और उनका सोफत लिए आगे जाना. मतलब महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बोर्ड की परीक्षा है आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र जनता के लिए. हमें लगता है कि जो डिसीजन आ गया और ये डिसीजन में जिस तरह से बातें शिव जैसे साहब ने कही, ये देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भी निश्चित रूप से अथॉरिटी कैसी होती है बीजेपी सरकार के लोगों से, ये कहना हमें आसान हो जाएगा. उद्धव ठाकरे चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया. अगर उन्होंने नहीं दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली कहता है हम के पक्ष में निर्णय दे सकते थे. एक मौका था, उन्होंने उस वक्त राजनीतिक सूझबूझ वाला निर्णय नहीं लिया, ऐसा आपको लगता है? उन्होंने खुद कहा कि मैंने डिसीजन ले लिया, क्यों लिया ये बात उन्होंने कही है. तभी इस पर बोलने में क्या फायदा है, एक तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कहा वो नहीं देते तो क्या स्थिति होती थी. मगर इसमें उद्धव जी को ऐसे लगा कि जिन लोगों को मैंने इसी मदद की, ताकत दे दी, उनको राजनीति में लोगों में लाने के लिए मेहनत की, वही लोग मेरे खिलाफ इस तरह से बातें करते हैं तो ये मुझे पसंद नहीं, मुझे सहन नहीं होता, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया. ये बात उन्होंने कहने के बाद अभी और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं. विधानसभा अध्यक्ष के पास सारे अधिकार दिए हैं फैसला करने के लिए कि विधानसभा अध्यक्ष ये तय करे और 16 जो विधायक है उनको किस तरीके डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना है. टाइम फ्रेम दिया नहीं गया, लगता है टाइम बाय किया जाएगा और जब तक इलेक्शन नहीं आए तब तक वक्त खींचा जाएगा. मुझे लगता नहीं ऐसे होगा, क्योंकि इंडिकेट किया है कि कैसे करना, कब करना, ये इंडिकेट किया वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते. और नज़रअंदाज किया तो कोर्ट में जाने का अधिकार सभी को है. राज्यपाल की भूमिका में क्या कहेंगे? राज्यपाल की भूमिका में क्या कहेंगे? राज्यपाल लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के भी घेरे में है. सगळ्यांना आल्यात ते आता इथे राहिलीची असतील नाही. पवार साहेब, महाविकास आघाडीचे प्रणेते म्हणून आपल्याला मानले जातात,
अनेक निर्णयामध्ये आपली भूमिका विचारली जाते. उद्धव ठाकरेंनी राजीनाम्या दरम्यान आपली भूमिका जर विचारली असती आपल्याला. राज्यपाल की भूमिका पे आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कुछ चीजों का निरीक्षण किया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजस्व यहाँ रहते तो हम बोल सकते थे कि उनको निकाल दो यहाँ से, मगर अभी आज वो गए घर में, वैसे ही वहाँ शांति से जो कुछ नुकसान करना है वो नुकसान करके गए. हमेशा महाराष्ट्र के हिस्से में उनका नाम रहेगा कि ऐसा भी राजभाग हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल डेमोक्रेसी का नाम सब नजरअंदाज करके राज चल रहा था. ठीक है, अभी हो गया. जयंत पाटिल के खिलाफ ईडी की जब नोटिस आती है, ईडी के खिलाफ जब नोटिस आती है, आखिरी सवाल मुझे अभी बताया है. राज्यपाल की यंत्रणा ठेवा संदर्भात विचार करायला हवा. सर उद्या दौरा आहे सर महाराष्ट्र. आपण मीटिंग घेणार का आता म्हणजे महाविकास आघाडीची दौरे होणार आहे. उद्योगी जाऊनार कागदला जाऊनार परत फुल्या जाऊन साठांना जाऊनार तीन दिवसात पाच ठिकाणी जाऊनार भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे सिंचन.